हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटलिज्म। इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटलिज्म जो है, ये एक ऐसे है या ये कह सकते हैं आप एक बुक है जिसको एडवर्ड सेड ने लिखा है। और ये जो टॉपिक है, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस ऐसे को लगाया है और बहुत बार TGT, PGT, UGC नेट एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। तो हम इसके ऊपर एक एनालिसिस करने वाले हैं, और जो एनालिसिस है वो रियल में आपको हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोग्राफी ऑफ एडवर्ड सेड। ये जो एडवर्ड सेड है, ये 1935 से लेकर के 2003 तक इनका टाइम पीरियड है। 1935 से 2003 तक इनका टाइम पीरियड है। और ये जो इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटलिज्म है, इसको 1978 के अंदर पब्लिश किया गया है। सो इट वॉज रिटन बाई एन अमेरिकन फिलोसोफर। ये अमेरिकन फिलोसोफर है एडवर्ड सेड, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया हुआ है इन्होंने। लिटरेरी क्रिटिक हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं। अमेरिकन फिलोसोफर, लिटरेरी क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एडवर्ड सेड। ये जो एडवर्ड सेड हैं, वॉज अमंग द फाउंडर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, यानी कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसके ऊपर लिखा है। तो इनमें पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर भी एडवर्ड सेड का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। सो एज ए कल्चरल क्रिटिक, ये क्रिटिक हैं। एडवर्ड सेड इज बेस्ट नोन, ये एडवर्ड सेड है, इनको बेस्ट नोन फॉर हिज बुक, इनको इसकी वजह से जाना जाता है। क्या? ओरिएंटलिज्म 1978 के अंदर पब्लिश होती है। और ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? ये वाला। द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन बर्नाल्ड लेविस, ये जो बर्नाल्ड लेविस है, ये इन्होंने इस बुक के ऊपर क्रिटिसाइज किया है ओरिएंटलिज्म को। इन्होंने इसको एंटी अमेरिकन कहा है। तो ये 2018 या 19 वाले एग्जाम में इसको पूछा गया है UGC नेट में, कि ओरिएंटलिज्म जो ऐसे है 1978 में पब्लिश हुआ, एडवर्ड सेड ने लिखा, इसको एंटी अमेरिकन किसने कहा? तो एंटी अमेरिकन किसने कहा? बर्नाल्ड लेविस ने। तो ये इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी थी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके सारी पॉइंट ऑफ व्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो वर्ड है ओरिएंटलिज्म, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ड सेड क्या कहते हैं? ओरिएंटलिज्म इज द स्टडी ऑफ द ओरिएंट और द ईस्ट वर्ल्ड। ये मेन डेफिनेशन है, बच्चों इसको संभाल के रखना, कि ओरिएंटलिज्म इज द स्टडी। ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है? कि स्टडी करना किसका? ओरिएंट या फिर ईस्ट वर्ल्ड, यानी कि जो यूरोप महाद्वीप है उसकी स्टडी करना, उसकी कंट्रीज की स्टडी करना, उसकी कल्चर की स्टडी करना, उसकी हिस्ट्री की स्टडी करना, उसके कस्टम की स्टडी करना, ये सब किस में आएगा? ओरिएंटलिज्म के अंदर आएगा। यानी कि ओरिएंटलिज्म इज द स्टडी ऑफ द ओरिएंट और द ईस्ट वर्ल्ड। अब यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि जो बंदा इसके ऊपर कुछ लिखता है, ईस्ट वर्ल्ड के ऊपर जो लिखता है, जो रिसर्च करता है, जो सर्वे करता है, वो ओरिएंटलिस्ट कहलाएगा। जैसे इसमें लिखा है कि एनीवन हु टीचेस, जो पढ़ाता है, राइट्स, लिखता है अबाउट और रिसर्च इज द ओरिएंट। जो टीच करता है, राइट करता है, रिसर्च करता है, यानी कि टीच, राइट और रिसर्च, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जो टीच करता है, जो राइट करता है और जो रिसर्च करता है इसके ऊपर, ईस्ट वर्ल्ड के ऊपर, वो ओरिएंटलिस्ट कहलाएगा। और जो उसने काम किया है, जो उसने काम किया है, यानी कि व्हाट ही और सी डज, जो काम करता है, जो रिजल्ट आता है, वो क्या कहलाएगा? ओरिएंटलिज्म कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे इतना आसान नहीं है। जो ओरिएंट जो है, वो रिचेस्ट हैं, ग्रेटेस्ट हैं और ओल्ड कॉलोनीज हैं। ये जो बच्चों यूरोप है, ईस्ट वर्ल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया दो भागों में बटी है, ईस्ट एंड वेस्ट, और हम इंडियन जो हैं वो ईस्ट के अंदर आते हैं। तो हमारा जो यूरोप महाद्वीप है, उसका जो कल्चर है, ये रिचेस्ट है, ग्रेटेस्ट है और ओल्डेस्ट कॉलोनीज है। मगर इसके ऊपर क्या हुआ, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, रसिया और अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, रसिया और अमेरिका, इन सारी कंट्री का,
इन्होंने अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, अलग अलग आइलैंड के ऊपर, इन्होंने कॉलोनीज के ऊपर कब्जा किया। जैसे हमारा इंडिया गुलाम रहा, यानी कि इन्होंने जा जाकर अलग अलग देशों पर उनको गुलाम बनाया, उनके ऊपर शासन किया, उनके ऊपर रूल किया, और उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उनको किया इन्होंने। तो उसके बाद में यहाँ इन कंट्रीज़ के लोग जो हैं, ये जो इन कंट्रीज़ के लोग हैं जिन्होंने जो डोमिनेट किया ईस्ट वर्ल्ड को, इन्होंने उसके ऊपर सर्वे किया, रिसर्च किया, पढ़ा उसको, कल्चर को जाना। तो ये सब का सब क्या है, ओरिएंटलिज्म कहलाता है। यानी कि इस ऐसी को समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको अभी ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये ईस्टर्न वालों को कुछ नहीं समझता है। देखिए कैसे, द वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स, यानी कि कॉलोनाइजर कौन होते हैं, जो डोमिनेट करते हैं, जो रूल करते हैं, आप इसको रूलर कह सकते हैं। द वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स और रूलर बिलीव्ड देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू अदर रेसेस, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं किससे, ईस्टर्न कल्चर से, ईस्टर्न वर्ल्ड से। यानी कि हमारा जो महाद्वीप है, जो यूरोप महाद्वीप है, उनको ये बहुत लो लेवल के लोग मानते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं। वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स बिलीव देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू अदर रेसेस, दे सो द ओरिएंट एज द कंप्लीट ऑपोजिट। दे सो ओरिएंट मीन्स ईस्ट, दे सो द ईस्ट एज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ देमसेल्व्स। यानी कि भी कल्चर तो हमारा डिफरेंट है ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जो वेस्टर्न कल्चर है वो अलग है और ईस्टर्न कल्चर अलग है। तो ये हमारा कल्चर है, उन्होंने पाया कि हमारा कल्चर जो है वो वेस्टर्न से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ओरिएंटलिज्म प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, ओरिएंटलिज्म जो है वो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज ए सिस्टम यूज बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो देखिए, इन्होंने हमारे कल्चर को स्टडी किया, किसने, वेस्टर्न वालों ने, और इन्होंने रूल बनाई, रेगुलेशन बनाई। और जैसे अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया में अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो और राज करो, यानी कि जो इंटीग्रिटी है, जो यूनिटी है, उसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो और उसको कमज़ोर कर दो और वहाँ पर अपना अधिकार जमा लो। तो इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि हमें, हम एक साथ तो किसी के साथ में नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने छोटे छोटे राजाओं के साथ में अपना कोलाबोरेशन किया और उनके साथ में फाइट करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पे कब्जा किया। तो इसमें जो हमारे एडवर्ड सैड हैं वो क्या कहना चाहते हैं, टू एक्सप्रेस द डार्क साइड ऑफ कॉलोनियलिज्म, इस ऐसे के अंदर डार्क साइड ऑफ कॉलोनियलिज्म को दिखाया गया है, डार्क साइड ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि हम आज भी इस वेस्टर्न कल्चर के, इस वेस्टर्न वर्ल्ड के हम आज भी गुलाम हैं, हम आज भी उनके रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। आज लगभग सेकंड और थर्ड सेंचुरी बीत चुकी है, यानी कि 200-250 साल बीत चुके हैं इस पूरी दुनिया को आज़ाद हुए। हमारा इंडिया तो लगभग 70-75 साल हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे जो महाद्वीप और हैं, जो और कंट्रीज हैं, वो काफ़ी पहले आज़ाद हुई थी। मगर इसमें एडवर्ड सैड ये कहता है कि डार्क साइड ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि आज भी हम क्या हैं, टू कंट्रोल ओवर द ईस्ट, यानी कि ये ईस्ट जो है ये आज भी वेस्ट के थ्रू क्या है, कंट्रोल किया जा रहा है। आज भी हमारा जो पॉलिटिक्स है वो आज भी उन जो वेस्टर्न जो पॉलिटिक्स है उससे प्रभावित होता है। आज भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वेस्टर्न के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, हमारे ऊपर डोमिनेट किया जा रहा है। सो इवन दो, हालांकि कॉलोनाइजेशन इज ओवर, हालांकि ये जो वेस्टर्न लोग थे, ये जो पावर थी, ये चले जा चुके हैं। इवन दो कॉलोनाइजेशन इज ओवर, द मेंटलिटी वे ऑफ लाइफ एंड रिप्रेजेंटेशन दैट वर द पिलर ऑफ कॉलोनियल रूल आर स्टिल डीपली रूटेड इन द कल्चर। यानी कि हमारी जो मेंटलिटी है, हमारी जो सोच है, वे ऑफ लाइफ है और रिप्रेजेंटेशन है, वो आज भी हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हमारी शिक्षा, लॉर्ड मैकॉले जो है, उन्होंने इंडिया के अंदर इंग्लिश को सबसे पहले स्टार्ट किया था, मगर आज भी हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं 70-75 साल बाद में भी। आज हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें कोई इसको पर्सनली मत लेना, लेकिन ये सच्चाई है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आज के इस
मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमारी मदर टंग हमारे इस देश के अंदर वो हालात हो गए हैं, एक मास्टर और एक पीएचडी डिग्री बच्चा है उसको 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। एक मास्टर डिग्री क्या हुआ बच्चा, एक एमए बीएड बच्चा, एक पीएचडी क्या हुआ बच्चा, ये सच्चाई है, उसको 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। और वही बच्चा अगर वो इंग्लिश के अंदर अगर पीएचडी या एमए या बीएड जो भी कुछ कर रखा है वो 30-40,000 रुपये कमा रहा है, तो ये क्या है? ये इस वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। तो जो एडवर्ड शेड है वो यही समझाना चाहते हैं कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू आज भी डोमिनेट किए जा रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसका मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को क्या किया जाए, डोमिनेट किया जाए, हमारे को ऊपर रूल किया जाए। एडवर्ड सेड क्या कहते हैं, एडवर्ड सेज दैट हाउ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इम्पोज्ड इट्स कल्चर ऑन एवरीवन। एडवर्ड जो है वो सेज दैट हाउ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये इम्पोज करता है, यानी कि थोपता है, थोपना इम्पोज का मतलब कहता है थोपता है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो थोपती है इट्स कल्चर ऑन एवरीवन, यानी कि हमारे को मजबूर करता है ईस्ट कल्चर को, ईस्ट जो ईस्टर्न लोग हैं उनको मजबूर करता है क्या, वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट करना। द ऑथर आर्ग्यूड दैट क्या करता है, ऑथर आर्ग्यू करता है द वेस्ट डेवलप्ड जो वेस्टर्न कल्चर है इन्होंने क्या कर लिया है, डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड एन आइडिया ऑफ द ओरिएंट। उन्होंने क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है, डेवलप कर लिया है आइडिया ऑफ द ओरिएंट, ईस्ट का आइडिया ओरिएंट कर लिया है, दैट वॉज बेनिफिशियल टू देम। और ये जो ओरिएंटलिज्म है ये किसका बेनिफिट कर रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर का फायदा कर रहा है। द वेस्ट थ्रू मैनिपुलेटिव स्कीम्स, यानी कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है वो मैनिपुलेटिव स्कीम्स, यानी कि मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर देना, यानी कि फेक सिस्टम नकली स्कीम्स कह सकते हैं आप। सो द वेस्ट थ्रू मैनिपुलेटिव स्कीम्स हैव राइजन क्या टू ग्लोबल डोमिनेशन इन द 21st सेंचुरी। ये इसमें एडवर्ड शेड जो है इस ऐसे के अंदर यही बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है उसका मेन मोटो यही है कि हमारे को डोमिनेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को डोमिनेट किया जाए। बच्चों जो हमारे एडवर्ड शेड हैं इन्होंने इस ऐसे के अंदर बहुत कुछ बता दिया है, अगर आप ठीक से समझ पाए तो देखिए, अगर नहीं समझ पाए तो फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। द नोशन वॉज दैट ईस्ट वर ए लेस एडवांस्ड पीपल, ये जो ईस्टर्न वर्ल्ड है ये क्या है, लेस एडवांस्ड पीपल, एंड दैट द वेस्ट हैड ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो वेस्टर्न लोग हैं, ये जो अमेरिका, जापान, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सारे के सारे क्या सोचते हैं, ये हमारे को लेस एडवांस्ड पीपल समझते हैं, एंड दैट द वेस्ट हैड ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानता है, टू प्रोवाइड प्रोग्रेस एंड इनोवेशन। ये बोलता है कि ईस्ट वाले तो कभी जो इनोवेशन है और एडवांसमेंट है, जो प्रोग्रेस है वो कर ही नहीं सकते, ना तो हम इनोवेशन कर सकते ना हम प्रोग्रेस कर सकते ना हम एडवांसमेंट कर सकते बिना वेस्टर्न सहयोग के, बिना वेस्ट के, यानी कि सारा का सारा खेल हमारी लाइफ में कौन करेगा, ये वेस्ट वाले करेंगे। ये सच्चाई भी है कि हमारा इंडिया के अंदर इतना टैलेंट, इस दुनिया का इतना टैलेंट अगर आप जरा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सारा का सारा ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो वेस्ट कंट्री हैं, इनके अंदर शिफ्ट हो चुका है। हमारा का सारा जो डायस्पोरा है, जो हमारे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो अच्छे से अच्छे जो अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड लोग, हमारे IIT, MIT और हमारे रिसर्च सेंटर के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे इस वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये आज ये वेस्टर्न वाले क्या कहते हैं कि हम ना तो इनोवेशन कर सकते, ना प्रोग्रेस कर सकते, ना एडवांसमेंट कर सकते। तो ये एडवर्ड शेड है, ये पैलेस्टीनियन कंट्री के अंदर पैदा हुए थे मगर बाद में ये अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। इनको बाद में समझ में आता है कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये कैसे ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये कैसे हमारे को ईस्टर्न कल्चर को, कैसे ये यूरोप आइलैंड को डोमिनेट करता है। तो इस ऐसे के अंदर इन्होंने यही बताया है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये जो ऐसे है
ये समझ में आया होगा और रियल में आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।